दोस्तों, म्यूटेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को याद आते हैं एक्समैन। एक्समैन एक ऐसे सुपर हीरोज है जिनकी टीम एवेंजर्स से भी ज्यादा पुरानी है। हालांकि इनकी टाइमलाइन थोड़ी लंबी है, लेकिन फिर भी ये लोग हम लोग के बहुत ज्यादा चहेते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग इनके पावर्स की बात करें तो इन लोग की पावर्स हम लोग को हमेशा अमेज करती है, चाहे बात हो प्रोफेसर एक्स के सुपर माइंड की, या फिर मैग्नेटो के ऑसम टेलीकिनेसिस की, या फिर वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर की। इनकी पावर्स हम लोग को हमेशा चौंकाती रहती है। और जबकि ये अब बन गए हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा, तो इनको इस यूनिवर्स में देखने के लिए फैंस अब वेट नहीं कर सकते। हालांकि केविन फैगी ने यह भी कहा है कि जो एक्स मैन है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट्स के नाम से जाने जाएंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि आने वाली मूवीज का टाइटल ही म्यूटेंट्स होगा, और कभी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी बनती है तो वो टाइटल होगा म्यूटेंट्स वर्सेस एवेंजर्स करके। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि क्या हमें एवेंजर्स 5 में म्यूटेंट्स नजर आएंगे, और अगर इसका आंसर हाँ है तो कैसे म्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। दोस्तों, आज हम लोग इसी क्वेश्चन का ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि म्यूटेंट्स इस वक्त तक कहाँ थे। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप लोग म्यूटेंट्स और एवेंजर्स की दुनिया में खोने वाले हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, म्यूटेंट्स पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जैसे कि वांडा मैक्सिमोफ और क्विक सिल्वर। अब यहाँ पे फर्क बस इतना है कि ये लोग बॉर्न म्यूटेंट्स नहीं थे, इन लोगों को आर्टिफिशियली बनाया गया था माइंड स्टोन की मदद से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि इनके ऊपर माइंड स्टोन का यूज किया गया था, इसके चलते इनके अंदर की म्यूटेंट्स पावर एनहांस हो गई। यानी ये लोग बनाए गए आर्टिफिशियल तरीके से। अगर कोई नेचुरल बॉर्न म्यूटेंट की बात करें तो अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी खबर आ रही है कि ब्लैक विडो में पहला म्यूटेंट इंट्रोड्यूस होगा जो कि नेचुरल म्यूटेंट होगा। चलिए बात कर लेते हैं वो दो तरीके की जिसकी चलते जो म्यूटेंट्स है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आएंगे और आने वाली मूवी एवेंजर्स 5 में हम लोग को दिखाई देंगे। सबसे पहले तरीके की बात करते हैं जिसमें ये दिखाया जा सकता है कि मार्वल इनको दिखाएगा कि पहले से इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे लेकिन ये छुप के रहते थे। यहाँ पे म्यूटेंट्स के छुपने के कई सारे रीजन हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे R616 में ऐसा देखा जाता था कि जिसके पास सुपर पावर है उससे खतरा भी हो सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सकोविया अकॉर्ड्स हुए थे तब सुपर हीरो पे पाबंदी लगा दी गई थी कि वो लोग अपनी पावर्स का ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह से अगर म्यूटेंट्स खुले में आते अर्थ पे तो उनकी पावर्स पे और ज्यादा लिमिटेशन लग जाता, और हो सकता है म्यूटेंट्स को ये भी डर था कि अगर वो अपनी सुपर पावर्स को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे तो हो सकता है वो किसी एक्सपेरिमेंट का शिकार भी हो जाए। यहाँ पे अगर हम लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव की बात करें तो वो है मल्टीवर्स। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स की, तो यहाँ पे जो म्यूटेंट्स मल्टीवर्स की मदद से आ सकते हैं वो है डेडपूल और वुल्वरीन। ये लोग ऐसे म्यूटेंट हैं जिन लोगों की टाइमलाइन आगे पीछे दिखाई गई है फॉक्स स्टूडियोज में। लेकिन अगर हम लोग बात करें डेडपूल के कैरेक्टर की, तो ये भी यहाँ पे कहा जा रहा था कि डेडपूल के दो ऑल्टरनेट कैरेक्टर हो सकते हैं। सेम केस अप्लाई होता है वुल्वरीन में। कॉमिक बुक में ऐसा हुआ है कि वुल्वरीन का जो कैरेक्टर है एक यंग वर्जन था और एक ओल्ड मैन लोगन था। तो इनमें से एक बार ऐसा हुआ है कि एक ही समय में वुल्वरीन का यंग वर्जन और ओल्ड वर्जन आपस में भिड़ गया था। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि यहाँ पे हल्क वर्सेस वुल्वरीन फिल्म दिखाई जा सकती है। तो वुल्वरीन अचानक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहाँ से आ जाएगा, उसकी स्टोरी लाइन कैसे दिखाई जाएगी। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक क्विक मूवी करना चाहते हैं हल्क वर्सेस वुल्वरीन की, तो वुल्वरीन को ऑल्टरनेट यूनिवर्स से ही मंगाना पड़ेगा। इन सबके अलावा एक और मूवी है जिससे म्यूटेंट्स का कनेक्शन बहुत तगड़ा बन सकता है और बहुत पुराना बन सकता है, जो कि है इटर्नल्स। इस मूवी की मदद से एक प्री हिस्टोरिक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दिखाया जाएगा, और इसमें सब दिखाया जाएगा कि इनह्यूमन्स ह्यूमन्स और म्यूटेंट्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए। साथ ही साथ ये जो इटर्नल्स आए हैं इनकी पावर्स भी दिखाई जाएगी। यानी कुल मिला के 4 स्पीशीज हो जाएगी। सबसे पहले इटर्नल्स जो कि सेलेशियल्स के थ्रू बनाए गए हैं, उसके बाद ह्यूमन जो कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद इनह्यूमन्स जो कि चांद पर रहते हैं, उसके बाद म्यूटेंट्स जो कि कैसा है इसकी ओरिजिन स्टोरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक दिखाई नहीं गई है। तो हो सकता है इनकी ओरिजिन स्टोरी सीधे सीधे दिखाई जाए इटर्नल्स में, और इनका छुपने का रीजन भी दिखाया जाए, और इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन कैसे हुआ ये भी समझाया जाए। साथ ही साथ म्यूटेंट्स की कैटेगरी में कुछ ऐसे म्यूटेंट्स हैं जो कि एक अच्छे खासे विलन साबित हो सकते हैं आने वाली एवेंजर्स मूवी में।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें अपोकलिप्स की, तो हम लोग देखे थे एक्समैन अपोकलिप्स में अपोकलिप्स कितना ज्यादा तगड़ा विलन था। साथ ही साथ जब ये सारे कैरेक्टर्स मार्वल स्टूडियोज के पास आ गए हैं, तो मार्वल स्टूडियोज इनको फिर से रिकास्ट करके एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म दे सकता है। दोस्तों इसी के साथ साथ एक और ऐसी मूवी है जिसमें एक ऐसे म्यूटेंट के इंट्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है जो आगे जाके म्यूटेंट की लीडर बनती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉम की। जैसा कि हमने एक्समैन फ्रेंचाइजी में भी देखा था, स्ट्रॉम प्रोफेसर एक्स के बाद लीडर बन गई थी। इसी तरह अगर इसका इंट्रोडक्शन ब्लैक पैंथर 2 मूवी में होता है, तो हो सकता है ये अपनी ओरिजिन स्टोरी या कहे म्यूटेंट्स की ओरिजिन स्टोरी खुद ब्लैक पैंथर को सुनाए, जिससे ऑडियंस को पता लग जाए कि म्यूटेंट्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। इसी के साथ साथ मार्वल स्टूडियोज की आने वाली जितनी भी टीवी सीरीज होगी, उनमें हम लोग को कहीं ना कहीं किसी म्यूटेंट का हिंट ये रेफरेंस देखने को मिलेगा। फिलहाल ऑल टुगेदर एवेंजर्स 5 आने में अभी कुछ साल बाकी है, और इन सबसे पहले कुछ ऐसी ऐसी मूवीज आएगी जिनमें म्यूटेंट्स का आना बहुत ज्यादा श्योर है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक विडो, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, इटर्नल्स, ये सारी ऐसी मूवी है जिसमें कहीं ना कहीं म्यूटेंट्स का इंट्रोडक्शन ये रेफरेंस हम लोग को देखने को मिलेगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हम लोग को आगे जाके एवेंजर्स 5 में डेडपूल और वुल्वरिन का टीम अप भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन जिससे पता चलता है कि कैसे म्यूटेंट्स एवेंजर्स 5 में आ सकते हैं। दोस्तों अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो कि आ रहा है फैल्कन और विंटर सोल्जर से। यहाँ पे अभी हाल ही में फैल्कन और विंटर सोल्जर की शूटिंग पिक्स आई है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट पिक्स हम लोग को नजर आ रही है, एक तो फैल्कन की, एक तो विंटर सोल्जर की, और एक तो बैरन जिमो की। अब यहाँ पे बैरन जिमो का कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने मिशन में कामयाब रहा है। और यहाँ पे ये भले फिजिकली उतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन ये मेंटली सबसे स्ट्रांग मार्वल कैरेक्टर है विलन्स में से। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डिटेल की। यहाँ पे ऐसा देखने से लग रहा है कि यहाँ पे फैल्कन और विंटर सोल्जर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, और बैकग्राउंड हो सकता है माहौल वहाँ पे क्रिसमस का हो। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें बकी बांस के प्रोस्थेटिक आर्म्स, तो ये वही आर्म्स है जो उसको मिले थे इन्फिनिटी वॉर में, यानी पूरे पूरे वाइब्रेनियम आर्म। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रमोशनल इमेज देखें, तो यहाँ पे इसकी जो हैंड की इमेज है वो थोड़ी चेंज लग रही है। ये अभी पुराना वाला आर्म है, यानी इस पे अभी जो स्टार वाला निशान है वो अभी तक बना नहीं है। तो हो सकता है जब फिल्म आगे बढ़ेगी, या जब टीवी सीरीज आगे बढ़ेगी, तब हम लोग को शायद ये प्रमोशनल इमेज का हाथ दिखाई दे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और खबर आ रही है कि क्रिस एवंस, जो कि कैप्टन अमेरिका को रोल प्ले करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उनका भी कुछ सीन्स दिखाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। भले ही वो मेन स्क्रीन पे ज्यादा नजर ना आए, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि बैरन जिमो कॉमिक बुक में सबसे बड़ा विलन कैप्टन अमेरिका का ही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवल करके वापस आकर बूढ़े ना हुए होते, तो शायद ये फैल्कन और विंटर सोल्जर टीवी सीरीज बनी ही ना होती, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अगर आगे की कंटिन्यूटी होती, चाहे टीवी सीरीज ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे जो बैरन जिमो की लड़ाई होती वो कैप्टन अमेरिका से होती। अब यहाँ पे अगर कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो चुके हैं, और भले सैम विल्सन उनकी शील्ड लेके नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कैप्टन अमेरिका को एकदम भुलाया जा सकता है। और रही बात बैरन जिमो की, कि बैरन जिमो क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बैरन जिमो ही था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जो बकी बांस का दिमाग कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पे भले बकी बांस वकांडा में जाके ठीक हो गया, उसका दिमाग ठीक हो गया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर बैरन जिमो वो कोड बकी बांस के सामने फिर से बोलता, तो बकी बांस का वही वाला माइंड फिर से एक्टिवेट ना हो जाए। इसका थोड़ा बहुत डर लगा रहेगा इस टीवी सीरीज में, इसीलिए हो सकता है बैरन जिमो कोई ऐसा कोड पढ़ ले जिससे वो बकी बांस को कंट्रोल करके फैल्कन के अगेंस्ट खड़ा कर दे। तब हो सकता है कैप्टन अमेरिका कुछ ऐसा बात बताए फैल्कन को, जिससे फैल्कन फिर से बकी बांस को वापस नॉर्मल कर सके। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बैरन जिमो का कैरेक्टर है, ये हाइड्रा का एजेंट नहीं है, ये हाइड्रा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिर्फ बकी बांस को कंट्रोल करने के चक्कर में इसने हाइड्रा के ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च की, ये हाइड्रा के बारे में ऑलमोस्ट सब जानता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एक ऐसी जेल में बंद था जिस जेल में बकी बांस बंद था, और वहां से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब बकी बांस के लिए तो नहीं, क्योंकि बकी बांस फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन अगर इसकी बात आती है तो ये बिना किसी हेल्प के उस जेल से निकल नहीं सकता, यानी इसके साथ कोई और एजेंट होंगे जो इसकी हेल्प कर रहे होंगे। और रही बात इसके मास्क की, तो ये जल्दी हमें अपने मार्क्स में दिखाई देगा, क्योंकि बैरन जिमो को कैरेक्टर को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद पूरी दुनिया जानती है।
तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट म्यूटेंट से रिलेटेड और साथ ही साथ फैल्कन और विंटर सोल्जर से भी। तो अगर आपने इतनी लंबी वीडियो देख ली है तो हमारे म्यूटेंट्स के लिए एवेंजर्स टीम मानने के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे पहले डेडपूल को देखना चाहते हैं कि वुल्वरिन को। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल कॉमिक बुक टॉक्स को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए। Thank you for watching.